खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम सीख बाई बुक में। सीख बाई बुक के इस प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य है उन किताबों की कहानियाँ सुनाना और आपसे साझा करना जो हमें रोमांचित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और एक नई दिशा की ओर हमको ले जाती हैं। साथ ही साथ ये हमें कुछ नया सिखाती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। किताबों के इस सफ़र में हम साथ हैं उन किताबों के जो हमें आत्मसमझ, हम में उत्साह, अप्रेरणा, इंस्पिरेशन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। शुरू करने से पहले मैं ये भी कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है और इसीलिए हम इस तरह के और प्रेरणादायक वीडियो, किताबों की समरी आपके लिए लाते रहते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सीख के लिए। पोथी पढ़ पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। नमस्कार, आज की सीख बाई बुक में हम एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने थंबनेल में देख लिया होगा। उसका नाम है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस के लेखक हैं क्रिस वैली। क्रिस वैली इस किताब में हाइपर फोकस यानी फोकस के जो उच्चतम बिंदु होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं और आज हम इसी बुक की समरी को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम फोकस को और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको या आपके जीवन में कहीं पर भी फोकस का इशू है तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये किताब आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी और इस समरी को पढ़ने के बाद, इस समरी को सुनने के बाद और इसमें दिए गए लर्निंग्स जो हैं उन्हें सीखने के बाद, लागू करने के बाद आप कम काम करके भी ज़्यादा रिजल्ट पा पाएंगे और आप अपने समय को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। कम समय में अधिक अच्छा परिणाम या परिणाममुखी कार्य करना ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है और कहीं ना कहीं सफलता के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो आइए समझते हैं आज की इस बुक में हमें किस तरीके से आगे करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेखक हैं उन्होंने चार तरह के कामों के बारे में बात की है। वो चार तरह के कामों को डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला एक काम हो सकता है आवश्यक काम, एक अनावश्यक काम, एक ध्यान भंग करने वाला काम और दूसरा और अंतिम है उद्देश्यपूर्ण कार्य। वो बताते हैं कि जरूरी काम जो होता है, जो आवश्यक कार्य होता है, उसके अंदर वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये काम करने चाहिए। जैसे टीम मीटिंग हो गई और आपके बजट की बातें हो गई, सभी कुछ इसी में आता है। ज़्यादातर हमें इस काम को करने के लिए स्वयं को धक्का देना पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो पढ़ाई, जो कि सबसे आवश्यक काम है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति बोलता है, विद्यार्थी बोलता है कि मोटिवेशन की कमी के कारण हम इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला काम हुआ जरूरी काम, दूसरा काम था अनावश्यक कार्य जिसमें हम जिसे हम फालतू काम के अंतर्गत हम रख सकते हैं, जिसे इसके अंतर्गत वो सभी काम शामिल होते हैं जिन्हें करने में मज़ा भी नहीं आता और फायदा भी नहीं होता। जैसे आपके टेबल पर पड़े पेपर्स को ठीक करना या अपने कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करना। बेवजह काम पर समय लगाने से हम बिजी तो हो जाते हैं लेकिन ये व्यस्त रहना फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि इससे हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है और ये वाली जो बिजीनेस होती है वो एक तरीके का आलसपन होता है। इसलिए अनावश्यक कार्यों में उन कार्यों को शामिल किया गया है जिनको करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे कार्य के रूप में ध्यान भंग करने वाले कार्य को लेखक बताते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान भटकाने वाले काम से हमें मज़ा तो आता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये एक अनुत्पादक काम है और इसके अंदर हम सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स, रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें हैं और भी अन्य तरीके के डिस्ट्रैक्शन भी इसमें शामिल होते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जितने अच्छे तरीके से आप अपने ध्यान को मैनेज कर पाएंगे उतना ही कम समय आप इन चीज़ों पर बिता पाएंगे क्योंकि यदि आपका ध्यान अपने आवश्यक कार्यों में है तो आप इन भंग करने वाले, जो ध्यान भंग करने वाले कार्य हैं, उनको कम से कम आप करेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी आप रील स्क्रॉल करते हैं तो कब वो दो मिनट से दो घंटे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। अंतिम कार्य था उद्देश्यपूर्ण कार्य। उद्देश्यपूर्ण कार्य के अंदर लेखक उन टास्कों को रखते हैं जो करने के लिए हमें धरती पर भेजा गया है, मतलब जो हमारे मूल उद्देश्य हैं।
जिनसे हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस कैटेगरी वाले कामों को करने के लिए आपको ज़्यादा ब्रेन पावर की भी ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर इन कामों में हम दूसरे लोगों से अच्छे होते हैं। एक अभिनेता का सबसे उद्देश्यपूर्ण काम हो सकता है अभ्यास करना, प्रदर्शन करना। एक वित्तीय सलाहकार का उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है निवेश करना और अपने क्लाइंट से बातचीत करना। एक गुरु का उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है अपने जो विद्यार्थी हैं उनको उचित सलाह देना, उचित मार्गदर्शन देना और उन्हें सफलता तक पहुँचना। एक विद्यार्थी का उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है विद्या अध्ययन में अत्यधिक समय व्यतीत करना, जिससे जो उसके सपने हैं उन्हें वह पूरा कर सके। अब जब कार्यों को लेखक ने चार तरह से डिवाइड किया तो ये क्लियरिटी हमारे मन में आ जाती है कि हमें किस प्रकार के कार्यों पर अपना ध्यान ज़्यादा लगाना है। इसी सब कार्यों को करने के लिए, सफलता के लिए हाइपर फोकस जैसी चीज़ों की बात भी लेखक के द्वारा की जाती है। लेखक कहते हैं कि हाइपर फोकस एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। इसमें आप विचलित नहीं होते हैं, आप जल्दी फोकस कर लेते हैं और आप अपने आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपर फोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं, मतलब आप कम व्यस्त होते हैं, क्योंकि आप अपने अटेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीज़ों को जाने दे रहे हैं। अटेंशन स्पेस से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उन कार्य या उन इच्छाओं पर ही आप ध्यान दे रहे हैं जो लिमिटेड हैं, जो आपकी सफलता में आपके लिए सहायक होने वाली हैं। उन्हीं बातों, उन्हीं कामों को आप अपने अटेंशन जो स्पेस होता है उसमें आप उसको शामिल कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि आपने अपने अटेंशन स्पेस में कम से कम चीज़ों को स्थान दें, लिमिटेड चीज़ों को स्थान दें। जैसे यदि हम एक विद्यार्थी की बात करते हैं तो लिमिटेड जो अटेंशन स्पेस होता है उसके अंदर आपकी किताबें, नोट्स। यदि हम फ़ोन की बात करें तो घर से हो सकता है कि भाई आप, लेकिन घर वालों को पता होता है कि आपको पढ़ाई करनी है कोई चीज़, तो आप फ़ोन को बंद भी कर सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, उसको अपने अटेंशन स्पेस में रखना मनाही होती है। तो हमें अपने अटेंशन स्पेस का जो कहना चाहिए कि जो स्थान होता है उसे कम स्पेस में ही रखना है। विज्ञान भी कहती है कि जब हम फोकस करते हैं तो हमें चार स्टेज से गुजरना पड़ता है। अब ये चार स्टेज जो हैं वो कहीं ना कहीं हाइपर फोकस करने के लिए भी आप पर लागू होती हैं। इस किताब में लेखक कहते हैं कि पहला तो चरण ये है, या पहला स्टेज ये है कि एक उत्पादक या सार्थक वस्तु को चुनना होगा जिस पर आप अपना ध्यान दें। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? सार्थक वस्तु। एक विद्यार्थी के लिए सार्थक वस्तु क्या है? पढ़ाई है। तो हमें क्या चुनना है? पढ़ाई चुनना है। एक निवेशक जो है उसके लिए निवेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अभिनेता है उसके लिए अभिनय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई टीचर है उसके लिए उसकी जो टीचिंग स्किल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सार्थक कार्य हमने चुन लिया। दूसरा स्टेप या दूसरा स्टेज होता है जितने ज़्यादा हो सके ध्यान भटकाने को हटाएं। जब भी आपने सार्थक कार्य को चुन लिया, सार्थक वस्तु को चुन लिया, तो उसके अगला स्टेप जो होगा क्या होगा? जो भी चीज़ें आपका ध्यान भटका रही हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे अगल बगल का वातावरण हो, जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको दूर हटना होगा। तीसरी स्टेज या तीसरा स्टेप होता है उसी वस्तु पर अपना ध्यान दें जिसे आपने चुना है। हम ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमने सार्थक वस्तु, जो हमने सार्थक कार्य चुना है, अपने जीवन का जो लक्ष्य चुना है, उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और अंतिम स्टेज या अंतिम चरण होता है जैसे ही आपका मन विचलित हो तो उसे तुरंत उसी वस्तु पर वापस ले आएं। कुल मिलाकर ये चारों स्टेज आपको एक सार्थक वस्तु, एक सार्थक उद्देश्य के आसपास ही घूमने के लिए कह रही हैं कि आप उसे, अपने जो मन है, जो आपका मन है, वो उस सार्थक वस्तु से अलग नहीं होना चाहिए। आपने सार्थक वस्तु चुनी, आप जो ध्यान भटकाने वाले साधन थे उनको आपने हटा दिया, आपने अपना ध्यान उसी वस्तु पर लगाया, जो वस्तु, जो कार्य आपने चुना है, और अंतिम में जैसे ही आपका मन विचलित होता है तो आप तुरंत उस मन को खींच कर आप कहाँ लाएंगे? आप उस मन को उसी वापस सार्थक कार्य में लेके आएंगे। अब लेखक इसमें कुछ मेथड भी बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को पावरफुल इंटेंशन के साथ सेट कर सकते हैं, कैसे आप हाइपर फोकस को और अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए कुछ तीन उपाय बताते हैं। पहला उपाय बताते हैं तीन का नियम। तीन का नियम लेखक कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि दिन की शुरुआत में हमें ऐसी तीन चीज़ों को चूज़ करना चाहिए, ऐसी तीन चीज़ों को हमें कलेक्ट करना चाहिए जिन्हें हम दिन के खत्म होने से पहले पूरा देखना चाहते हैं। इस सूची के अंदर दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम आने चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो तीन महत्वपूर्ण कार्य को चुन लेना है, उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लेना है, जो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें ये शाम तक पूरे मिलने चाहिए। और विद्यार्थी के लिए टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे ये तीन का नियम बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने बताई, आपके सबसे अधिक परिणामी कार्य। लेखक कहते हैं कि अगर आपके अंदर एक टू डू लिस्ट बनाने की आदत है तो उसके साथ एक और आदत बनाइए, जो है आपके टू डू लिस्ट के कामों के नतीजे लिखने की।
यानी उस काम को करने से दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने ये तो बना लिया टाइम टेबल कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपने सामने उसमें अपडेट नहीं किया कि हमने ये काम किया है क्या, और यदि आपने वो काम किया है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, और यदि आपने वो काम नहीं किया है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों को ही मैं लेना चाहूँ, क्योंकि विद्यार्थी ही सबसे ज़्यादा उन्हें हाइपर फोकस की ज़रूरत होती है। तो विद्यार्थी में आप सीधा समझे कि आपने टू डू लिस्ट बनाई कि हमें ये टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, आपने शाम में ये देखा कि मैंने कवर किया है, यदि आपने कवर किया तो आप लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने कवर किया है, और जीवन में जो हमने लक्ष्य बनाया है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपने पूरा नहीं किया है तो आप लिख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने इसे पूरा नहीं किया है, कहीं कहीं जो हमने लक्ष्य बनाया है कहीं ना कहीं उससे हम पीछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप जब एक महीने सप्ताह में आप अपनी टू डू लिस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन, एक प्रेशर का भी वहाँ पे दबाव आपको पड़ेगा। तीसरी चीज़ बताते हैं प्रति घंटा जागरूकता इंकार। प्रति घंटा जागरूकता की बातों करते हैं, वो कहते हैं कि अपने दिन के 3 इरादों को सेट करना और अपने काम के परिणाम को पता करना एक अच्छी आदत है, जिससे आप हर रोज़ जानबूझकर काम कर पाएंगे। लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप हर पल जानबूझकर काम कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए आपको अपने फ़ोन या स्मार्ट वॉच में 1 घंटे का टाइमर लगाना होगा। यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक की बात लेखक के द्वारा की गई है। 45 मिनट 1 घंटे जितना भी आप फोकस कर पा रहे हैं केवल उतने घंटे पढ़ाई करिए, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा उठिए, टहलिए, ठीक ये चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव थे कि किस तरीके से आप पावरफुल इंटेंशन सेट कर सकते हैं अपने हाइपर फोकस के लिए। अब लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी जो फोकस करने से जो चीज़ हमें रोकती है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए भी लेखक कुछ सुझाव बताते हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो आजकल देखें इस दुनिया संसार का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है? आपका फ़ोन। आपका वो फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है और सबसे बड़ा आपका मददगार भी हो सकता है। यदि आप कुछ अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं तो आपके लिए मददगार है, लेकिन मैक्सिमम यूज हम कैसे करते हैं उसका? डिस्ट्रैक्शन के रूप में करते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालकर उसे दूसरे कमरे में रख दें, जिससे आप उसे चेक ना कर पाएं। किसी के पास एक कमरा ही है तो कोई बात नहीं, उसे किनारे रख सकते हैं आप। एक स्टडी में पता चला है कि जब हम एक डिस्ट्रैक्शन हमसे 20 सेकंड की दूरी पर होता है तब वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है और हम अपनी इम्पल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमें मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखना है, उसकी लाइट नहीं जलनी चाहिए, नोटिफिकेशन ऑफ रहने चाहिए, डाटा ऑफ रहना चाहिए, जिससे उसका टूं टा टून जो होता है वो सब ना हो और हम फोकस के साथ अपना कार्य कर सकें। दूसरी बार बताते हैं अंतराल पर ध्यान दें। जब भी आप कॉफ़ी शॉप या ग्रोसरी स्टोर में होते हैं तो फ़ोन चलाने के आग्रह को या अपनी आदत को रोकें। इसको छोटे छोटे ब्रिक्स की तरह इस्तेमाल करें और जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और आप अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो फ़ोन चलाने के अलावा जब आप खाली समय जब रहेगा फ़ोन आप नहीं चलाएंगे तो आप कुछ सोचेंगे, आप खुद को समय दे पाएंगे। तीसरी बार बताते हैं वो कि छोटे छोटे ब्रिक्स की तरह, जो हमें ये बात हो गई। तीसरी बात बताते हैं एयरप्लेन मोड का उपयोग। लेखक कहते हैं कि मोबाइल में एरोप्लेन मोड भी होता है, एयरप्लेन मोड भी होता है, जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। कोई भी ज़रूरी काम करते समय या किसी के साथ कॉफ़ी पीते समय या अपनी पढ़ाई करते समय अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर भी डाल देना चाहिए, जिससे जो काम हम कर रहे हैं, यदि किसी से मीटिंग है, यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यदि हम कहीं जा रहे हैं, कोई भी चीज़ है और उसमें हमें फोकस चाहिए तो हमारा मोबाइल कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और अंतिम बात बताते हैं कि एक माइंडलेस फोल्डर हमें बनाना चाहिए। वो बोलते हैं कि आपके मोबाइल में जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप हैं, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उन सभी को आपको एक फोल्डर में डाल देना चाहिए और उस फोल्डर का नाम माइंडलेस रख देना चाहिए। जैसे ही आप उसमें से कोई ऐप चलाएंगे तो ये फोल्डर का नाम आपको याद दिलाएगा कि आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, आप अपने आप को अब डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो है तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करेगा और अपने फोकस बिंदु पर आप फिर से आ पाएंगे। और अंतिम में उन्होंने फिर से कहा कि अटेंशन जो आपका स्पेस है उसका आकार हमें बढ़ाना होगा, हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखनी होगी और उसमें कम से कम लोगों को शामिल करना होगा। तो इस तरह से आज की जो ये बुक थी, मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया है अच्छी बुक की समरी उपलब्ध कराने के लिए। आपको मेरी कोशिश रहती है कि मैं देखूं, सुनूं, समझूं और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए समरी लेके आऊं। तो आज की जो बुक है हाइपर फोकस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर विद्यार्थी के लिए, हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति जो है उसे फोकस तो ज़रूर करना ही चाहिए। तो सफलता के लिए आपको हाइपर फोकस की ज़रूरत है और उसके लिए आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें।
आपको हमारी ये समरी कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि हाँ ये समरी हेल्पफुल है? यदि ज़्यादा बड़ी समरी हो रही तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसे हम और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने के का भी उपाय करेंगे। चलिए अच्छा है, यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, और कोई आपकी बुक हो जिसे आपको समरी जिसकी आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी उस किताब की समरी ज़रूर लेके आएंगे। चलिए अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती, और आपको कोशिश करनी है अच्छी किताबें पढ़ने की भी। धन्यवाद, जय हिंद।